होती थी अभी, वो तो होती है लगाने के लिए, तो चारों घों पर या गुदा भी लगा लो, लाभ भी लगा लो लगाने का। अगर खाना है तो आप इसको नाइफ से इसको साइड से छील के, चाकू से जो कांटे हैं ना इनको छील के और गुदा निकाल के आपको इसको खा लेना है। और कितना खाना है, लगभग इतना पत्ता खाना है बड़े लोगों को, बच्चों को देना तो इससे थोड़ा कम दे सकते हैं। अरे रुक जा माता जी, रुक जा एक मिनट, अभी बता रहा हूँ। तो ये देखिए इसको कैसे खाना है, आप चाकू से इसका गुदा निकालना है इस प्रकार, ठीक है। ये तो ऐसे ही बेकार हो गया, चाकू से निकालेंगे तो अच्छे से निकल आएगा। फिर आप इसको मैंने इसलिए खा के दिखाया है, ये बोलने वाला था कुछ लोग कुछ लोग जैसा होता खट्टा जो खाते रहते हैं उनको तो पता है, और जिसने कभी खाया नहीं उसको नहीं पता ही होता पीछा। और तुरंत खा के खाओगे तो लगेगा कड़वा, और इसको एक घंटे लटका दोगे उसका काट के तो लाज निकल जाएगी तो फिर लगेगा पीछा। तो उसको आप खाएं बेटा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जितने भी 20 साल से ऊपर है, 15 साल से ऊपर है वो खा सकते हैं, डेली बच्चे भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े लोग लेंगे तो जैसे आजकल लोग कहते हैं ना घुटनों में दर्द हो रहा है, ग्रीस खत्म हो जाए है ना, तो उसकी भी लाभ आ रहा है। बाथरूम में भी लाभ का था, जितने ड्रेस के थे उनमें कप के में भी बाथ के कप को संचित करता है। और ये बहुत अच्छी औषधि है, आप इसको प्रयोग करके देखिए, बाकी में आपका जिंदों का हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, कोई भी बढ़ जाता है। तो इसको आप उपयोग करें, चाहे थोड़ा मैं डेली लीजिए, आपका डेली नहीं ले पाते हफ्ते में 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है उसका, क्योंकि काफ़ी लोगों के घर पर रहा रहता है, लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं है ना, उसका उपयोग करें। और अगर ब्रेड में लेना तो कहीं जो स्वदेशी दुकान है कहीं से ले लो, पतंजलि की दुकान से चले जाओ, वहाँ आपको एक लीटर की दुकान वो मिल जाएगी बोतल, उसको लीजिए और अपना 20 ml डेली एक कप दो पानी में लेना, या तो घर पर ताज़ा ताज़ा खाओ, मिक्सी में जूस निकाल के पी लीजिए है ना, रेडीमेड चीज़ को दुकान से। हाँ तो ये मैंने आपको एलोवेरा के बारे में बताया था, देखिए।